क्या है बताइए? मेरी तमन्ना है कि स्टॉक मार्केट से 500 करोड़ रुपए कमाने की। ओहो, तो बड़ी बैंक का तमन्ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज संडे की मॉर्निंग है, आज मैं निकल पड़ा हूँ एक कुछ नया दिखाने के लिए और बताने के लिए। तो बस यही आशा करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आपसे आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह हमारे अपना प्रेम हम पे बरसाते रहेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा नई पहल की सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी देखिए। हफ्ते में वो भी एक ब्लॉग आता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ताकि हमारा उत्साह और बढ़े और हम आगे कहीं और जाने का प्लान कर सकें और आपको बता सकें। तो चलिए गाइस, समय ना गंवाते हुए आगे चलते हैं और कुछ दिखाते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो आइए आज के दिन का पूरा लुत्फ़ उठाते हैं और आज के पूरे दिन की एक्टिविटी को हम आपके सामने शेयर करते हैं और उसको बताते हैं। तो गाइस बाय, आइए। देखिए सुबह का वक्त है, मैं चौक पे पहुंच चुका हूं और काफ़ी रश हो चुका है और यहां पे काफ़ी दुकानें लग चुकी हैं। और देखिए यहां पे जो एक चीज़ बड़ी मशहूर है, इसको बोलते हैं इन लोग जो है रबड़ी, मतलब भैया इसे क्या बोलते हैं सर जी? मक्खन मलाई। देखिए स्टार्ट हो चुकी है, क्या हिसाब भैया? ये 80 रुपये 100 ग्राम। तो ये यहाँ की काफ़ी फेमस है, मतलब जो ये चलते ठंड के मौसम में स्टार्ट होती है, लेकिन ये लोग रखते हैं। केवल आपको यही मिलेगी मॉर्निंग में, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। जब मौसम ज़्यादा ठंडा होगा तब फिर ये हर जगह मिलेगी। तो बस हम देखिए यहाँ मच्छा ताज़ा मट्ठा छाछ भी है, एक्सप्रेस है, सारी बड़ी मार्केट में बड़ी रौनक हो चुकी है। मॉर्निंग में ही देखिए 9 बजे है, लेकिन काफ़ी रौनक है। इस तरह से भाई लोग ने काफ़ी दुकानें अभी सजा रखी है। तो हमने कहा चलिए इनको भी दिखाते हुए आगे निकलते हैं और बताते हैं। तो चलिए आगे फिर हम और लेंगे, दिखाएँगे और बताएँगे। बस आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आज आपकी जानकारी देंगे। तो आ जाइए, मक्खन मलाई खाने का सीजन आ चुका है, तो आप लोग भी खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं मॉर्निंग में। ये देखिए मक्खन मलाई को हम एक बार आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए क्या मक्खन मलाई है, बिल्कुल देख के तबीयत हरी हो गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, भाई ने अच्छी जानकारी दी है। और भाई आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ? भाई को 30 साल हो गए। तो बराबर आप यही लगाते हैं सर? पिताजी लगाते थे, आप इसका आदाब लगा। तो ये 12 मास आप इसको बेचते हैं? कब से कितने तारीख से? अक्टूबर से रहेगा मार्च तक, उसके बाद ये रुकता नहीं है। तो देखिए भाई 30 साल पुरानी दुकान है, कभी आना चाहे तो आ सकते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मुन्ना भाई की दुकान है, हमने उनसे भाई बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। मुन्ना भाई आपसे जानकारी लेके बड़ा अच्छा लगा, ओके शुक्रिया। भाई से केला खरीदा है, भाई ने कहा कै रुपये दर्जन दिया भैया केला आपने? 40 रुपये। यहाँ पे मतलब क्या केले का स्टोर है क्या भैया? हाँ यहाँ पे केले का स्टोर भी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से फल लगे हुए हैं, आप कभी अगर आते हैं तो यहाँ से जो है ले सकते। बड़ी मात्रा में केला है यहाँ पे और अच्छे वैरायटी के केले आपको मिलेंगे मार्केट से, सही मिलेंगे। तो जब भी अगर आप दुबग्गा से निकलते हैं तो आप केले यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब भाई का शुक्रिया। हम आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनकी बहुत तमन्ना है, आज इनके तमन्ना पूछते हैं। इनके पास हम आए हुए थे कि राजू भाई आपकी क्या तमन्ना है? तो राजू भाई आपकी क्या तमन्ना है? तमन्ना क्या है बताइए? मेरी तमन्ना है कि स्टॉक मार्केट से 500 करोड़ रुपए कमाने की। तमन्ना है, इस तमन्ना से आप क्या करेंगे 500 करोड़ से? जिंदगी आल यूपी आल वर्ल्ड घूमेंगे। ओ माय गॉड, आल यू वर्ल्ड घूमेंगे। कस्टमर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे? कस्टमर क्या, स्टॉक मार्केट को उस कस्टमर थोड़े पैसा इन्वेस्ट करो, कमाओ। तो कस्टमर पैसा देंगे नहीं देंगे, सरकार को टैक्स देंगे नहीं देंगे? टैक्स पे कट जाता है। और कोई तमन्ना नहीं है? ना ना, पैसा पैसा मोस्ट पैसा। और मतलब पैसे का यूज कैसे करेंगे? यूज क्या करेंगे भाई, मेरे का ब्याज से खाएंगे। तो बहुत शौक से खा रहे हैं, ये भी घूस के पेड़े है। प्यार से खिला रहे हैं, ये पेड़े है। आप गाना ना गाते? नहीं मैं गाना नहीं। तो डायलॉगबाजी करते हैं? नहीं, सिर्फ खाते हैं। खाते हैं क्या? घूस घूस है। इमरजेंसी फोन आ गया जी सर। राजू भाई आपके टोजे के पेड़े खाए, हजम नहीं होंगे। अब तो आप बिजी हो गए राजू।
आप क्या करेंगे? काम करेंगे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? वो दर्शक आपको देख रहे हो, लाइव देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर कहेंगे कि इन्वेस्ट कीजिए, काम आएगा, भविष्य में बने रहेंगे पैसा। घूस घूस तो कैसे भी कमा लो, कैसे भी कमा लो, घूस तक दिखाना नहीं। आप नर्वस हो गए कि मिशन राजू है, आपने अपना राज नहीं खोला, क्या घूस देते कैसे हैं? ए पागल हो क्या? बनाना की बता रही है, सब बात यूज कर रही है ना, पैसा कमाने के तरीके उनको हैंकर कर रहे हो यार। मैं तरीकों को तो हमें भी बताए ना, तो वो तरीका हम भी यूज करें। चैनल बनाना चाहते हो कि नहीं? नहीं मैंने नहीं अभी तो क्या कैसा लग रहा है? बाल वाल से ही करो, पहले एक शॉट अपने बाल वाल ऐसे करो राजू, रुक जाओ ऐसे से करो, हाँ थोड़ा स्माइल करो, रुक जाओ, मत मत डालना आपको डरवाना नहीं। आप देख सकते हैं आज मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, देखिए इस स्पिन को जो है इसको सीधा कर रहा हूँ, देखिए ये भी कितना बड़ा काम है। आज मैं बैठ के मैंने कहा लाइए आज कुछ ना कुछ करा जाए, आपको दिखाया जाए। तो गाइस ये देखिए हमारा चैपल है, और यहाँ पे जो प्रार्थना होती है आराधना होती है, तो आज मुझे भी यहाँ अंदर आने का मौका मिला, तो मैंने क्यों ना हो आपको दिखाऊं, और हम सब आप लोग के लिए दुआएं करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआएं। तो गाइस आपने जैसे देखा आज जो भी सारे दिन की हमारी जो भी एक्टिविटी थी हमने आपको दिखाया बताया, और उस टाइम रात हो चुकी है, अब हम अपने घर की ओर जो है जा रहे हैं अपने जॉब से। तो हमने कहा लाइए अपने चैनल को जो है यहीं पर बैंड अप करते हैं, और एक नए कल के दिन ब्लॉग के लिए तैयारी करते हैं, एक नया सरप्राइज रहेगा कल आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे, क्योंकि कुछ कल एक नया है, तो उसके लिए हम थोड़ा प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आशा करेंगे कि जिस तरह से हमने आज जो भी ब्लॉग बनाया है जिस तरह से बनाया उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों के हम आपके और अच्छा डेली ब्लॉग बना सकें, और भी जो भी हम अपनी सीरीज चला रहे हैं नैनीताल को उसको और भी आगे बना सकें। बस हम ये चाहेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। तो चाहे किसी बात से हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि बस दुआओं में हमें याद रखिए, और शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओके गाइस, बाय।